So, hey UD family, welcome back to another video. तो ज्यादातर आप लोगों को मूवी देखते हुए कि रात में पॉपकॉर्न खाने का दिल चाहता है और सबके फेवरेट पॉपकॉर्न होते हैं कैरेमल पॉपकॉर्न। तो आज मैं रेसिपी लाया हूँ कैरेमल पॉपकॉर्न की। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टोव जलाऊंगा। ये जल गया और अब ये मेरे पास है 1 कप ऑफ मेज के कॉर्न, कह लें आप इसको। 1/2 टीस्पून सॉल्ट है और ये 2 टेबल स्पून ऑयल है। तो अब पहले मैं ऑयल डालूंगा, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है। ये मैं ऑयल डाल रहा हूँ, यहाँ पे ऑयल डल गया और अब मैं इसमें मेज के कॉर्न डालूंगा और जब ये फटने लगेंगे पकने लगे तो आप इसके ऊपर मैं नमक डालूंगा और जब ये फटने लगेंगे और मतलब पकने लगेंगे तो मैं इसके ऊपर ढक्कन ढक दूंगा। और ये आपको बहुत देख के करना है, इससे आपका हाथ भी जल सकता है। आप अपनी मामा की हेल्प ले लीजिएगा इसमें। और ये नमक भी डल गया और मैं इसको चलाऊंगा थोड़ा। थोड़ी सी मैं हाथ टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत मसला हो रहा है थोड़ा सा। और ये मैं पका रहा हूँ, देखो इसमें ये सॉल्ट पूरी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब आप आज टेस्ट कर दीजिएगा। मैंने उस वक्त इसलिए कहा था कि आपका हाथ ना जले इसकी वजह से। तो अब ये मतलब फटने वाले हैं, मतलब तो मैं इसके अंदर इसके ऊपर ढक्कन ढक रहा हूँ ये, क्योंकि बहुत मुंह पे आते हैं उछल उछल के। आप लोग देख रहे हैं किस तरह फट रहे हैं ये। ओह माय गॉड, आपको इसका ढक्कन बिल्कुल नहीं उठाना क्योंकि तेल की ऐसी छींटे आएंगी ना और इतने गर्म हो रही है अभी इस वक्त। ओए 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 ओए, अच्छा लग रहा है दिखने में तो बहुत ज्यादा। अब मैं इसकी लो फ्लेम पे कर दूंगा इसको मैं, क्योंकि जो बाकी जो पक चुके हैं वो जले नहीं, इसलिए क्योंकि अब इसमें तो मतलब इसके अंदर वो है ना स्टीम है अभी इसके अंदर बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैं इसको लो फ्लेम पे कर रहा हूँ। मैंने कर दिया, अब ये पक रहे हैं। तो फैमिली देखें ये रेडी हो चुके हैं और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसके पास में से, क्या बताऊं आपको, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कैरेमल सिरप बनाना। तो मैंने इसको लो फ्लेम पे ऑन कर लिया है और मैं इसके 1 कप ऑफ शुगर डालूंगा इसके अंदर। जब तक नहीं मैं इसको छेड़ूंगा जब तक ये मतलब मेल्ट ना हो जाए, वरना इसके ऊपर बबल से आ जाएंगे और ये खराब हो सकती है। तो अब मुझे इसमें चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना 15 मिनट्स तक। तो मैंने इसमें अभी चीनी डाल दी और अब मैं इसको जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाए मैं 15 से 20 मिनट्स तक इसको मतलब इसमें चमचा नहीं चलाऊंगा। और अब मैं बिल्कुल लो फ्लेम कर रहा हूँ बिल्कुल, और ये मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर दी है। अब ये देखें आप मेल्ट होना शुरू हो गई है, ये 15 से 20 मिनट्स ले सकती है। ये देखें ये काफ़ी हद तक कैरेमल सिरप ये मेल्ट हो चुका है चीनी, और ये कैरेमल सिरप बन चुका है और सिर्फ थोड़ी सी चीनी रह गई है। अब इसका भी मेल्ट होने का वेट करूँ, जैसे ही होएगा तो हम इसको पॉपकॉर्न्स में डाल देंगे। तो अब मैं इसको चमचा ला के चेक करूँगा कितनी चीनी मेल्ट हुई है। अभी इसमें थोड़ी सी नीचे में मतलब नीचे की तरफ थोड़ी सी रहती है अभी चीनी, तो अभी मैं इसको और थोड़ी देर मतलब मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ। मैंने आपको शुरू से इसलिए मना किया था क्योंकि अगर आप इसमें चमचे चलाते रहेंगे तो इसमें बबल बन जाएंगे। तो अब ये पूरी तरीके से रेडी हो गया, अब मैं इसको पॉपकॉर्न के लिए डालूंगा और इसको मिक्स कर दूंगा। मैं आपको डाल रहा हूँ पॉपकॉर्न के लिए, अब मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। बहुत टेस्टी लग रहे हैं, खाने के बाद बताऊंगा कैसे बने। और ये देखें, ये देख सकते हैं आप, देखें हर एक पॉपकॉर्न के ऊपर कैरेमल है डाला हुआ है। आप लोगों को पता है जो मूंगफली वाले के पास जो बॉल्स बनी हुई होती है वो यही होती है। ये देखें, मैं अब आपको इसको टेस्ट करके बताता हूँ। बहुत मजे के, मैंने ऐसा लग रहा है कि हम लोग बाहर जाके खा रहे हैं। तो मैं तो चला मूवी देखने
तो फैमिली आप लोग बनाए इसको घर में और जरूर ट्राई करें। तो मैं तो जा रहा हूँ मूवी देखने, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।